सो हे गाइस, मैं हूं शहीद। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक नॉर्मल साइकिल में गियर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कितना पैसा खर्चा होगा गियर इंस्टॉल करके, पूरा जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगी हमारे चैनल पर। चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं हमारे साइकिल को। ये हमारी साइकिल, सबसे पहले हम साइकिल को उल्टा कर देते हैं। चलिए दोनों बोल्ट को मैं इस रेंज से मैं ढीला कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ इस रेंज दोनों बोल्ट को, उस पर भी आसानी से बाहर आएगा, दिखा देता हूँ बाहर करके। उसके बाद ब्रेक को मैं ढील कर देता हूँ, ब्रेक को उसके बाद साइकिल को चाका को मैं बाहर कर लेता हूँ। हमारा जो पहले फिरूल है इसे मैं छेनी की हथौड़ी मदद से इसे खोल लेता हूँ। इसको चलिए इसे खोल लेता हूँ हथौड़ी की मदद से। आप इसे किसी शॉप की जाके भी खोल सकते हो इस फिरूल को। मेरा ये हमारी पुराना फिरूल, इस पे हम नया फिरूल लगाएंगे 7 गियर वाली। ये हमारी किट गियर का 7 गियर का है, चेंजर है, ये रही शिमानो का है, ये रही हमारा फिरूल। ये लगाता हूँ पहले 7 दांत की फिरूल है, फिरूल है। इसको चाका को सबसे पहले करना है, ये जो धुरी है इसे बड़ा करना है। ये जो फिरूल लगाऊंगी मैं नहीं होगा, इसलिए इसको बड़ा कर दे रहा हूँ सबसे पहले। दोनों साइड से लूज करके मैं इस पर मैं बड़ा कर देता हूँ। आपका साइकिल का बॉल बेयरिंग सही होगा तो इसे रख सकते हो। मेरा बॉल बेयरिंग अभी सही है। पर जो अंदर जो कचरा है इसे मैं ब्रश की मदद से मैं साफ कर लेता हूँ, आप भी ऐसे साफ कर लेना। देखो मेरा पूरा साफ हो गया। ये जो फिरूल का गाट है मैं इसे अंदर लगा देता हूँ। ये जो गाट आपको एक्स्ट्रा करके लेना पड़ेगा, साइकिल की शॉप को आपको मिल जाएगी। आप लोग ऑनलाइन बाई करना चाहते हो इस गियर किट को, मैं लिंक दे दूंगा उसका। ये जो 7 स्पीड का मेरा गियर है इसे मैं लगा लेता हूँ। मैं हाथ की मदद से इसे टाइट कर लिया, जब साइकिल चलेगा टाइट हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारी एक धुरी है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अंदर है, इसको यहाँ पर एक नाट लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पर नाट लगा देता हूँ, इस बोल्ट को मैं टाइट कर देता हूँ अपनी पूरा अंदर तक। देखो पूरा अंदर टाइट हो गया। आपका ये दूरत्व देखिए, हो गया हमारा फिरूल। हमारे पहले साइकिल का जो चेन है इसे मैं खोल लेता हूँ, नया चेन लगाना पड़ेगा। ये जो मोटा चेन है इसको पतला चेन लगाना पड़ेगा। इसे मैं किल की हथौड़ी की किल की मदद से इसे मैं बाहर कर लेता हूँ। इसे मैं किल की मदद से बाहर कर लेता हूँ हमारे चेन को। ये जो है मेरा नया चेन, आप लोग को एक पार्थक्य देता हूँ। ये जो मोटा चेन है था, ये मोटा वाली थे, ये मिनी वाली, मिनी वाली इसको लगाना पड़ेगा।
साइकिल में इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको लगाने से पहले इसे यहाँ पर गियर को लगाना पड़ता है। मैं इसे यहाँ पर गियर सेव कर लेता हूँ। ये जो दोनों बोल्ट दिया हुआ है इसे खोलना पड़ेगा मेरे को। इसे खोल लेता हूँ। आप ऐसी गियर इंस्टॉल घर पे भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन इसे बुक कर सकते हो तो आसानी से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए मैंने इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये दोनों बोल्ट की वजह को मैं टाइट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। फुल टाइट करना होगा इसे, ये चीज नहीं हिलना चाहिए। मैंने फुल टाइट कर दिया। हमारे जो चेन है इस चेन को मैं गियर के अंदर सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से डाल के। आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है कैसे चेन को अच्छी तरह से चढ़ाना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए मेरा चेन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इस दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ अंदर डाल के। इसको मैं एक प्लास की मदद से इसको दाब देता हूँ। देखिए अंदर डाल देना है इसे। देखिए अच्छी तरह से मेरा हो गया। दोनों पार समान रखना चाहिए सेम। हमारे चेन जो अभी है मैंने लगा दिया। इसके बाद मैं लगा रहा हूँ हमारे चाका को, इंस्टॉल कर देता हूँ अच्छी तरह से। फिट करना है चाका को, दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे फिट करना है। चाका लगा के समय ऐसी प्रॉब्लम होगा, उस साइड देख सकते हो। चाका लगा के समय आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर आप लोगों को सेव करना है इसी तरह। देखो अंदर चला गया। हमारा जो बोल्ट जो अभी है इसे मैं टाइट कर देता हूँ। देखिए पेंच की मदद से अच्छे से टाइट करना है। जब चाका लगा फिट करोगे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिडिल में रहना चाहिए। देखिए उसके बाद इसको टाइट करना है मिडिल कर रख के। देखिए हमारा चक्का इंस्टॉल हो गया साइकिल में। साइकिल को मैं सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे क्लच को जो है इसे लॉक कर देता हूँ एलडीएम की मदद से। हैंडल ग्रिप को इसे बाहर कर लेना है घुरा के इसी तरह। देखो बाहर हो गया चेंजर, ये जो 7 स्पीड का चेंजर है मेरे पास, इसको लाएंगे यहाँ पर। अच्छी तरह से यहाँ पर सेफ कर लेंगे इसे। हमारा चेंजर जो है अभी यहाँ पर सेफ हो गया। उसके बाद मैं ग्रिप को लगा देता हूँ। मैं एलरेंस की मदद से इसे टाइट कर देता हूँ। हमारे चेंजर को भी मैं टाइट कर देता हूँ। हमारे चेंजर का जो वायर है इसे मैं लगा देता हूँ। अंदर मैंने ठुका दिया इसे वायर को। देखिए यहाँ पर मैं साइप सेप कर देता हूँ टाई की मदद से। देखिए टाई है, ये ले लेना है, यहाँ पर सेप कर देता हूँ इसी तरह। देखिए यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ सारी। देखिए मैं यहाँ पर सारे टाई लगा लेता हूँ।
तरह से मेरा सीख हो गया वायर को। यहाँ पर मैं अंदर दिखा देता हूँ, आठ नौ रेंज की वजह से मैं यहाँ पर इसको नाट को लॉस कर देता हूँ। चलो वायर को मैं यहाँ पर सेफ कर लेता हूँ, अंदर घुसा क्लिप के अंदर। देखिए यहाँ पर स्क्रू को मैं टाइट कर देता हूँ, तो वायर अच्छी तरह से टाइट हो जाएगी। आठ नौ की मदद से इसको मैं टाइट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, इस क्लिप को यहाँ पर लगाना है इसी तरह, उसके बाद यहाँ से टाइट करना है। देखिए हमारा फुल टाइट हो गया। देखिए फुल टाइट हो गया। अब मैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं घुरा कर दिखाता हूँ। देखिए हमारे देखिए ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसको ठीक करना होगा। हमारा जो वायर है इसे टाइट करना होगा और भी। देखिए वायर ऐसा हो रहा है, इसे थोड़ा वायर को और थोड़ा लंबा करना है टान के। इसी तरह दोबारा टाइट कर देता हूँ, अब जो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं आपको घुरा के देखता हूँ कैसे मेरा गियर काम कर रहा है। 7 से 1 तक जाएगा। तब भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए 1 पर नहीं जा रहा है। थोड़ा और मैं बाहर को टाइट कर देता हूँ, अंदर की तरफ बाहर कर लेता हूँ, तब वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इसी तरह दोबारा टाइट कर दिया। देखिए हमारा ऊपर जो चला गया ऑन की तरफ, नीचे आप लोगों को नमक दिखा देता हूँ। वेंट के ऑन की तरफ पूरा जा रहा है, मेरा गियर अच्छी तरह से काम कर रहा है। सारे टाई को मैं काट लेता हूँ जो बड़ा हुआ है। नीचे की तरफ भी खोल लेता हूँ। ये जो वायर बड़ा हुआ है इसे आप लोग काट भी सकते हो, यहाँ पर मोड़ के रख सकते हो। मैं यहाँ पर मोड़ के रख देता हूँ इसी तरह। हो गया, यहाँ पर मोड़ के रख देना। हमारा जो ब्रेक ढीला किया था उसे मैं लगा लेता हूँ। ब्रेक ढीला किया मेरा लगा हो रहा है। सो हे गाइस, मैंने तो आप लोगों को गियर लगा के देखा है साइकिल में, एक नॉर्मल साइकिल में कैसे गियर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग पूरा ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पूरा समझ जाएगी। और आप लोग ऐसी गियर इंस्टॉल करना चाहते हो साइकिल में तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है गियर किट का, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और ये साइकिल मैंने गियर इंस्टॉल करे 2 दिन हो गया, मैंने 2 दिन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।